इजिप्ट की सीरीज होने लगी है स्टार्ट। ऑल राइट जी, ये देखें जी, ये $25 मैंने पे किया और इधर से बैंक ने मुझे ये एक पर्ची दे दिया। फर्स्ट इंप्रेशन तो कायरो ने अच्छा दे दिया, आगे भी प्लीज ऐसे ही रखना। बड़ा ही लाइवली लोगों का यहाँ पे मुझे बिहेवियर नजर आ रहा है, जो कि चलें जी, ये सारे बच्चे जो हैं ये फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोफ्ता और कलेजी जो बीफ की है उसका रोल्स वगैरह बना के देते हैं। सॉफ्ट सी ब्रेड है, यूँ समझना कि सादा कपड़ों में जो इनके स्पेशल लोग हैं इन्होंने आके मेरे से मोबाइल छीना और मेरी वीडियोस डिलीट करवाई। खाना तो बहुत मज़े का था और बहुत टेस्टी, स्पेशली हुम्मस और योगर्ट। तो सीन ये कि भी मेरी ये थी अपनी ज़िंदगी की 84th फ्लाइट और अब अगली मेरी जो फ़्लाइट होगी वो मेरी 85th फ़्लाइट होगी ओवरऑल ज़िंदगी की इजिप्ट का। अब मैं आपको बता दूँ सीन क्या है इजिप्ट जाने का। आपके जो वीज़ा है बेसिकली इजिप्ट का, अगर आपने लगवाना है पाकिस्तान से तो आपको लगवाना पड़ेगा थ्रू TCS वीज़ाट्रॉनिक्स। वीज़ाट्रॉनिक्स के थ्रू आपको वीज़ा लगवाना पड़ता है और ऑलमोस्ट ये 15,000 रुपया इसकी फ़ीस है। और मसला सिर्फ इसमें यह है कि वीज़ा लग ज़रूर जाता है लेकिन टाइम कोई भी नहीं है। किसी का 2 हफ्ते में आ जाता है, किसी का 4 हफ्ते में आ जाता है, किसी का 2 महीने में भी नहीं आता। लेकिन मुझे ये फ़ायदा था कि मेरे पासपोर्ट पे वैलिड US वीज़ा भी है और वैलिड कनाडा वीज़ा भी है और यूज्ड है, ये शर्त है। अगर आपके पास इनमें से कोई वीज़ा हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी बड़े ममालिक हैं इनका, और वो यूज़ हुआ हो और वैलिड भी हो, तो आपको इजिप्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। ऑन अराइवल वीज़ा फ़ीस जो है वो $25 है। तो अभी तो मैं कुवैत में हूँ, जब मैं पहुँच जाऊँगा कायरो के एयरपोर्ट पर, वहाँ पर जाके मैं अप्लाई करूँगा, $25 की फ़ीस पे करूँगा और उसके बाद वो स्टिकर लगा देंगे मेरे पासपोर्ट के ऊपर। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा इस तरह के ऑन अराइवल वीज़ा, मैंने स्टिकर वाला इस तरह का भी लिया। हाँ, वियतनाम में भी लिया था, बल्कि यार मालदीव्स में भी लिया हुआ है, लेकिन वो स्टिकर नहीं लगाते, वो स्टैम्प कर देते हैं। वियतनाम वाले स्टिकर लगाते थे। अभी खा लिया थोड़ा सा, हम इसके बाद ज़रा कॉफ़ी पीते हैं और इनको कहते हैं यार हमें कुछ पैक भी कर दें अगर ये ज़्यादा देते हैं, ताकि अगली फ़्लाइट में, क्योंकि बजट एयरलाइन है तो इसमें कुछ खाने को उन्होंने ऐसा चमें दिया नहीं है। आई होप अगली वाली फ़्लाइट में कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे कुछ क्रोसान या कुछ केक पीस वगैरह हम इनसे पैक करके अपने बैग में रख लेते हैं और फ़्लाइट में ज़रूरत होगी तो खा लेंगे। ओके जी, अनाउंसमेंट होगी हमें हमारी फ़्लाइट की और जल्दी जल्दी से हमने कुछ खाया और आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पर। आई होप ये वाला जो प्लेन होगा ये बड़ा होगा और उसे बेहतर होगा, क्योंकि मैंने कुछ टिकट वगैरह में देखा था कि इस प्लेन में जो हम आए थे इसमें आप पेड बेसिकली आप सर्विसेज ले सकते हैं जो आप चाहें, तो खाने पीना और कोई भी अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो वो मिल जाती हैं प्लेन में, लेकिन आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। तो नाउ लेट्स मूव टू अवर गेट J4। बड़ा ही छोटा सा एयरपोर्ट है और तंग तंग गलियों की सूरत के अंदर बना हुआ है। यू आर फ्रॉम फिलिपीन? ओके, थोड़ा सा लेट हो गए थे। कवैत यार एयरपोर्ट का मज़ा नहीं आया। अच्छा, मेरा ख्याल है ये जजीरा एयरलाइन का एयरपोर्ट है और जो कवैत एयरलाइन का टर्मिनल होगा ना वो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि जितनी बजट एयरलाइन होती हैं उनको एयरपोर्ट भी ये छोटे वाले देते हैं, इसलिए तो फिर वो बजट एयरलाइन होती है ताकि उनके एयरपोर्ट के टैक्सीज भी कम पड़ें और उनको फैसिलिटीज़ भी कम रखनी पड़ें, ये भी एक सीन होता है। तो हम कवैत एयर में अगर ट्रैवल करते तो शायद हमें बड़ा टर्मिनल देखने को मिलता, ये जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ वही बता सकते हैं। सो बस हमारा वेट कर रही है, धन्यवाद। सो काफ़ी इंडियंस भी हैं यार यहाँ पे, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद कहा। लो जी, ये था हमारा छोटा सा स्टे, छोटे से मुल्क में छोटा सा स्टे। कवैत जो है वो एक शहर ही है और एक शहर के अंदर हमने बस 2-2.5 घंटे गुजारे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। छोटा सा मुल्क था, 29th कंट्री, और बाद में आएंगे दोबारा कभी। फ़िलहाल हम इनकी जजीरा एयरबेस के अंदर जा रहे हैं टूवर्ड्स कायरो। गुड,
21 वालेकुम अस्सलाम। Personal belongings from under the seats or from the overhead compartments. Assalam. Thank you. Okay, so Nazreen, welcome to Cairo, Egypt. Or finally, मैं आज एक न्यू कॉन्टिनेंट में पहली दफा एंटर हो गया हूँ. That is Africa. पहले सारा का सारा मेरा ट्रैवल, मेरा ख्याल है कुछ 70-80% सारा मैंने ट्रैवल जो है वो एशिया के अंदर ही किया. इतने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, फिर अमेरिका, वो उसमें भी नॉर्थ अमेरिका को हमने कवर किया. और ये मेरा हो गया कॉन्टिनेंट नंबर 3 जिसके अंदर मैं आ गया हूँ, मिस्र के अंदर. और अभी ज़रा बाहर चलते हैं, वीज़ा हमारे पास अभी तक नहीं है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी मुझे पहुँच के ऑन अराइवल वीज़ा लेना है, तो इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एपिसोड में मिलेगी. एयरपोर्ट तो अंदर एंटर होके बड़ा अच्छा लगा यार. वैसे बहुत ही बड़ा था जो रनवे था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा. ये नीचे ये वेटिंग लाउंज है जहाँ पे फ़्लाइट के लिए लोग नीचे इंतज़ार कर रहे हैं. तो एयरपोर्ट ने इसने इम्प्रेस तो किया, कायरो के एयरपोर्ट ने. और इनकी लोकल जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं. और जो वैसे रनवे और वो जो उनका आउटर एक्सटीरियर एरिया है एयरपोर्ट का, वो भी बहुत बड़ा था. यहाँ से भी हमने देखना कि बैगेज तो खैर बाद में मिलेगा, पहले हम देखते हैं कि हमने ऑन अराइवल वीज़े की ऑप्शन कहाँ पर है. ओके जी, तो ये आ गया है बोर्ड, गेट वीज़ा स्टिकर एट द बैंक काउंटर. तो हम देखते हैं कहाँ से हमें वीज़ा स्टिकर मिलना है. ये पासपोर्ट कंट्रोल आ गया, वहाँ पर आपकी एंट्री स्टैम्प लगेगी, लेकिन यहाँ पर हमें अब स्टिकर लगाना है. आई थिंक ये मुझे लग रहा है ठीक है जी. ये लिखा हुआ है कैश देना आपने $25 और या इक्वलेंट उसकी करेंसी जो भी होगी. और यहाँ से हमें वीज़ा मिलेगा, बंदा कोई नहीं बैठा हुआ. सो ओके हियर. सलाम अलैकुम. वीज़ा ऑन अराइवल. ओके, आई हैव टू पे यू, यू विल पे द स्टिकर. Oh, next one. Payment there, and then go. And who will paste the sticker? They. Passport control. Okay. Scene ये है कि मैं उनसे पूछ रहा था कि स्टिकर लगेगा या स्टैम्प का होगी, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही बताया. कन्फ्यूजन ही हो रही थी क्योंकि मैं पढ़ के आया था कि स्टिकर लगेगा. तो अभी इनको पेमेंट करते हैं $25 और इनसे ही पूछ लेते हैं कि स्टिकर ये लोग लगाएंगे या सिर्फ स्टैम्प लगेगी एंट्री की. ऑल राइट जी, ये देखें जी, ये $25 मैंने पे किया और इधर से बैंक ने मुझे ये एक पर्ची दे दिया. तो ये स्टिकर नहीं है, ये वीज़ा भी नहीं है. और ये हमने लेके अभी वहाँ सामने जाना है पासपोर्ट कंट्रोल, और इसने मुझे ये गाइड किया है कि ये आपने उनको दिखानी है, फिर आपको वो वीज़ा स्टैम्प कर देंगे. फ़िलहाल इन्होंने तो कुछ भी नहीं पूछा, ना मेरा पासपोर्ट देखा है ना मेरा US का वीज़ा देखा है. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अगर आपके पास USA का, UK का, कनाडा का, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आई थिंक हाँ ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हो गए, इन सब का अगर आपके पास वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर और यूज़ हुआ हो, तो आप इजिप्ट आ सकते हैं. और इस्लामाबाद में भी उन्होंने मेरे से यही देखा था, मेरा वीज़ा उन्होंने देखा था कि मैंने यूज़ किया हुआ या नहीं किया हुआ, इसलिए उन्होंने फिर मुझे फ़्लाइट में बैठने दिया था. तो आए जी चलते हैं अब हम अपने पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ और इजिप्शियन वीज़ा लगवाते हैं. एक और चीज़ ये कि मैंने इनको $50 दिया था और $25 का मुझे वीज़ा मिल गया और $25 की मैंने इनकी करेंसी ले ली जो कि है इजिप्शियन पौंड्स. तो मैं आपको वो करेंसी भी दिखा देता हूँ. ये देखें जी ये इनकी करेंसी है और ये $31 इनका आज कल 31 पाउंड के बराबर है, जिसके मुताबिक मुझे करेंसी मिल गई है. और पाकिस्तानी आप ऑलमोस्ट गूगल पे देखेंगे तो आपको कोई 9 रुपये के करीब रेट मिलेगा, लेकिन मैं अब जब आपको बताया करूँगा ना इजी रहने के लिए, मैं आपको 10 का मल्टीपल बताया करूँगा ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी रहे. तो 1-2 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेट्स का. तो आपने ज़हन में रखना है कि हमारा
जो है वो एक इजिप्शियन पाउंड जो है वो पाकिस्तानी 10 रुपीज़ के बराबर आलमोस्ट मैं बताऊंगा। तो यार ये देखें इनकी करेंसी पाउंड्स में इसीलिए है क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे भी हुकूमत की हुई है, तो उनकी वजह से यहाँ पे पाउंड्स है, दरहम और वो इमाराती रियाल वगैरह नहीं है। ऑलराइट जी, दैट वाज वेरी वेरी स्मूथ, बहुत ही इजी सीन। और फीमेल थी ऑफिसर इमिग्रेशन के ऊपर, बस उनको वो स्टिकर दिखाया और वही वीज़ा था यार, मैंने कहा शायद वीज़ा देंगे। और ये देखें इन्होंने मेरे थोड़ा सा ख़राब कर दिया, मेरे अमेरिका के वीज़े के ऊपर ही उन्होंने साइड पे लगा दिया ये, और ये एक फीकी सी स्टैंप लगा दी है इन्होंने यहाँ पर। तो ये बेसिकली यही इजिप्ट का वीज़ा है जो कि आपको मिल गया है यहाँ पर। तो कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने होटल बुकिंग भी नहीं करवाई हुई थी, वो भी नहीं इनसे इन्होंने पूछा। सीन ये है कि आने से पहले मैंने यहाँ पे ट्राई किया कि मैं काउच सर्फिंग करूँ। काउच सर्फिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें ट्रैवलर्स जो हैं वो ट्रैवलर्स को मिलते हैं और उस ऐप के ऊपर आप बता देते हैं कि जी मैं आपके मुल्क आ रहा हूँ, कोई मुझे होस्ट करना चाहेगा। तो वैसे तो मुझे इजिप्ट के बहुत से लोगों का मैसेज आया कि हम आपको होस्ट करते हैं, लेकिन एक मुझे पाकिस्तानी स्टूडेंट मिल गया कराची के जो कि यहाँ पर जामियतुल अज़हर में पढ़ने आए हुए हैं। उन्होंने मुझे फिर कहा कि यार आप मेरे पास रहें, मैं आपको लेने भी आ जाऊंगा। तो आई थिंक अरसलान है उनका नाम, और वो बाहर मेरा शायद वेट भी कर रहे हैं। तो बस अब सामान का मैं वेट कर रहा हूं, और मैसेज में कर देता हूं उनका, मुझे व्हाट्सएप आ गया, वो बाहर पहुंच गए हैं। और सब जैसे मेरा बैग आता है तो फिर हम चलते हैं। चलें जी, हमने बैगेज पकड़ लिया और अभी बस हम बाहर चलते हैं। यहाँ पर भी आई थिंक कुछ चेकिंग है, वही बिल्कुल कस्टम जिस तरह चेक करती है सब कुछ। तो यहाँ से देखते हैं क्या कहते हैं। लो जी, ये भी डन, क्लियरेंस भी डन, और चलते हैं। अब मुझे अरसलान ने मैसेज किया है कि वो गेट नंबर 7 के बाहर खड़ा है। तो एक दफ़ा बाहर जाने से पहले मैं आपको सीन दिखा दूँ। ये गाड़ियों की सर्विसेज है यहाँ पे, टैक्सी के लिए सबको कॉल कर रहे हैं अगर, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि कभी भी टैक्सी नहीं करवानी, यहाँ पे बहुत स्कैम है, टैक्सी के बहुत ज़्यादा स्कैम है। तो उबर यूज़ करनी है या करीम यूज़ करनी है। तो मैं पहले ये करता हूँ कि आपको सिम्स का बता देता हूँ कि ये अगर आप देखें यहाँ पे सारी सिम मिल रही हैं। ऑरेंज की सिम है, इत्तसलात की है, वोडाफोन की है, वुई की है और येलो की है। तो अगर मैं आपको पैकेज वगैरह दिखा दूँ, क्योंकि ये वाली एपिसोड में सारे हम इंफॉर्मेशन ही दिखा रहे हैं, ये आप देख लें सारे के जितने भी पैकेज हैं। 41 GB वाला इनका 280 इजिप्शियन पाउंड का है। इनके रेट्स हैं जनाब 27 GB, 26, ठीक है। इनके रेट्स हैं जी 36 GB। अच्छा, ये थोड़ा महंगा लग रहा है वोडाफोन। आगे चलते हैं वुई। मुझे अरसलान ने सजेस्ट किया था कि आप वुई का ले लेना, बाकी ये 22 GB का अगर हम देखते हैं, मैंने क्योंकि 2 वीक्स रहना है तो मुझे लगता है मेरे लिए 22 GB काफ़ी होगा। बाकी वाईफाई तो हम यूज़ कर ही लेंगे, तो 223 इजिप्शियन पाउंड का है। एयरपोर्ट पे बाहर से हम लेंगे तो शायद सस्ता मिलेगा, तो ये आप 2230 रुपये पाकिस्तानी का हमें मिल जाएगा। बाकी कॉल्स हैं, कॉल्स तो यूज़ ही नहीं होती, हमें वाईफाई यूज़ करना है। ठीक है जी, तो ये इजिप्ट से रिलेटेड करेंसी, होटल, टिकट, वीज़ा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। और अब हम बाहर आ गए हैं, और बाहर उसने मुझे बताया ग्रे शलवार कमीज़ और ब्लू कोट अरसलान कहता मैंने पहना हुआ है। और गेट 7, वेयर इज़ गेट 7? दिस इज़ गेट 7। हाँ ओके, सो लेट्स ओके। ये हैं जी अरसलान, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी अरसलान, कैसे हैं? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच गाइड करने के लिए भी, और स्पेशली लेने के लिए आप मुझे लेकर लेने के लिए आए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरसलान जो है यहाँ पे स्टूडेंट है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी का भी टूर करना है आपके साथ, वो भी लोगों को दिखाएंगे अल अज़हर यूनिवर्सिटी क्या है। मुझे मैंने इसके बारे में पढ़ा, मुझे इतना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता था, अरसलान ने जब मुझे इंट्रो करवाया तो फिर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। और ये देखें जी, ये बाहर इसका अराइवल हॉल है और गेट नंबर 7 से मैं बाहर आया हूँ। और ये बड़ा अच्छा यार इन्होंने यहाँ पे देखें, बड़ा ही कूजी किस्म का माहौल, ठंडी ठंडी हवा है, वेदर भी इस वक्त बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो क्योंकि हम सर्दियों में आए तो ये सीन है। तो अरसलान क्या सीन, हम किसी का वेट करेंगे और या बस चलेंगे? नहीं, बस हमने सिम लेना है। सिम लेनी है, सिम यहाँ से लें या जैसा आप कहें? आप कहते हो बाहर से सस्ता मिलेगा, हाँ सेम, इनके पैकेज फिक्स है। अच्छा, तो मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको पता है कि सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं गाइड के लिए बनाता हूँ,
और एक तो साइट सीइंग तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मेरे चैनल का मकसद आपको पता है कि नंबर वन ये है कि मैं बैकपैकिंग सिखाऊं आप सबको कैसे लो बजट के अंदर दुनिया घूमी जाती है, यही मेरे मेन चैनल बनाने का भी मकसद है। और प्लस मैंने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे सफ़र किया जा सकता है, कैसे आपने जो है अपने बजट को कंट्रोल करके जाना होता है। तो आप जब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं यार, हाय हाय क्या हवा चल रही है यार, ठंडी ठंडी, बड़ा ही मज़ेदार सीन है। तो मतलब कायरो ने आते ही बड़ा वेलकम अच्छा किया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन तो कायरो ने अच्छा दे दिया, आगे भी प्लीज़ ऐसे ही रखना। तो ये टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 2 से जैसे बाहर आते हैं तो टैक्सियाँ इधर अन्य वाह मिलेंगी, आपने नहीं लेनी टैक्सी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कैम इस तरह होता है कि पैसे आपको कुछ और कहते हैं और बाद में जाके कहते हैं नहीं जी मैं इतने पैसे लूँगा और वो सब कुछ, यानी ज़ुबान का थोड़ा सा बदलने वाला मसला है कि ज़ुबान इनकी चेंज होती है बाद में। लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह कवर करेंगे कि यहाँ से मुझे अब देखें अरसलान हमें साथ साथ लेके जा रहे हैं, और यहाँ से उन्होंने बताया कि पब्लिक बस मिल जाती है आपको जो कि आपको सिटी सेंटर एरिया में लेकर जाएगी। तो अरसलान कैसे हम जाएंगे यहाँ से, डायरेक्ट हमारी बस जाएगी? करेंगे एक मिनट, ठीक है इंशाल्लाह गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, और बस नंबर यानी फिक्स है? बस यहाँ से वो हमें एयरपोर्ट से बाहर ले जाएंगे। ठीक है, एयरपोर्ट से वहाँ से फिर हमें मज़ीद दूसरी गाड़ी मिल सकती है। ओके, वेलकम टू कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसके आगे लिखा हुआ है और आई थिंक यही हमें लेकर जाएगी, ये शटल बस ही लग रही है। तो ये है हमारा कायरो का फर्स्ट इम्प्रेशन, और कायरो की सड़कें ग्रीनरी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब लगाए हुए हैं इन्होंने मेहनत करके, क्योंकि आपको पता है कि इजिप्ट 70-80% तो सारा का सारा डेजर्ट है, और सहारा डेजर्ट यहाँ का सबसे बड़ा, आपको अगले एपिसोड में सारी डिटेल भी बताऊंगा। तो बस सारा जो इजिप्ट है वो रिवर नाइल के अराउंड ही बना हुआ है इनकी सारी पॉपुलेशन। तो ये हमें अभी हम बस पे जा रहे हैं इस वक्त, और हमें शायद किसी एक सिटी सेंटर में जाके कहीं पर उतार देगी। तो गाड़ियाँ मैं वैसे देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कोई मॉडर्न उस तरह नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी टारा टारा गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये हमें वेलकम टू कायरो, ये कोई बस टर्मिनल है इनका, यहाँ पे ले आए हमें। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें टर्मिनल पे उतरना है, अब ये आगे से बसें हमें शहर के साथ कनेक्ट करेंगी। ये देखें ये लोकल बसें हैं, जैसे हमारी बिल्कुल वो यो टोंग की बसें हैं और वो डैबो की टाइप की बसें चलती हैं, ये आप पकड़ लो। ये जो एयरपोर्ट शटल है ये फ्री है, आपने कोई पैसे नहीं देने इसको, तो बेहतर यही है कि टैक्सी वगैरह ना लें। अगर आप बैग पैक करें फैमिली के साथ हैं तो आप ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर आएंगे जो आपने। यार बहुत हो रहा है यहाँ पे, ये तो मुझे ना श्रीलंका थोड़ा सा याद आ रहा है, पुरानी पुरानी सी इनकी बसें हैं, ये देखें थोड़ी थोड़ी सी मुझे लग रहा है काफ़ी पुरानी पुरानी इनकी बसें हैं, लेकिन एक निज़ाम ज़रूर चल रहा है यार। तो हमने जाना है हज़रते आयशा सदीका एरिया, ओहो बस का बस का, हाँ जी आयशा। तो हमने एक्चुअल में आयशा सदीका एरिया में जाना, तो इस जगह का नाम, अच्छा इस जगह का नाम मतार है, सॉरी ये नहीं है, अच्छा मतार एयरपोर्ट को कहते हैं, तो ये एयरपोर्ट का टर्मिनल है मतार, तो मतार यानी त्यारा, ठीक है बस तो अच्छी है। सलाम अलैकुम, चलें जी यहाँ बैठते हैं, ये वाली बस तो हमें अच्छी मिल गई है जी। ये देखें ये टिकट चेक कर अब आए हैं, और इन्होंने हमें पाउंड की 12 इजिप्शियन पाउंड, यार ये जूम क्यों नहीं कर रहा, 12 इजिप्शियन पाउंड की हमें इन्होंने टिकट दिया है, बाकी 12 मतलब 120 रुपये में हम जाएंगे। पहले जहाँ पे मुझे बताया था कौन से वाले हमने स्टॉप पे जाना था, हाँ रामसिस मेन शहर है, ओके। रोड्स तो यार बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं अभी तक, मुझे अरसलान भी बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास पास तो आपको बड़ा मॉडर्न एरिया नज़र आएगा, लेकिन आस्ता आस्ता हम इनके ओल्ड एरिया में एंटर होते जाएंगे तो आपको पुराना एरिया मिलेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पाकिस्तान में भी। आपको पता है कि ऑब्वियसली एयरपोर्ट ज़रा शहर से बाहर होता तो खूबसूरत सड़कें हैं उसके साथ जुड़ती हैं। यार ये तो मुझे लग रहा है मैं कराची में आ गया हूँ, बिल्कुल कराची के ऐसे फ्लाई ओवर्स आते हैं ना नज़र, और नेशनल स्टेडियम भी जैसे आता है बिल्कुल
ये बिल्कुल वही लग रहा है स्टेडियम भी। अच्छा ये इनका फुटबॉल स्टेडियम है और बिल्कुल कराची का जैसे नेशनल स्टेडियम के बाहर आपको फ्लाईओवर नज़र आते हैं, बिल्कुल सीन भी मुझे वही लग रहा है। अरेबिक म्यूज़िक इस वक्त लगा हुआ है बस के अंदर, तो आपको एक फीलर आ रहा है वो जो एक अरेबिक टच आता ना। ये देखें अभी बस एक जगह पे रुकी है, तो ये सारा मैप और इन्होंने सारा दिखाया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनकी। ये है रिवर नाइल, इनकी पूरी जान निशान होती है वो कायदे आज़म। यार ये देखें कैसे ऊँची ऊँची आवाज़ें लगा रहा है। तो एक चीज़ मैंने अभी तक नोट किया कि काफ़ी ऊँचा बोलते हैं यार यहाँ पे। अभी प्लेन के अंदर भी जो मिस्त्री थे बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, फिर हम जब बस में बैठे प्लेन से उतर के तो बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, यानी आप आसपास का लिहाज नहीं कर रहे कि बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। तो एक एक कोने में खड़ा हुआ, दूसरा दूसरे कोने में खड़ा हुआ, तो ऊंची ऊंची बातें लगे हुए हैं। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा पाकिस्तानी पाकिस्तानी कल्चर आपको फील हो रहा है यहाँ पर। वैगनें भी बिल्कुल उसी तरह चल रही हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। अब अगर आप ये देखें बिल्डिंगें चेक करें तो बिल्कुल जैसे हमारे लाहौर कराची के अंदर, लाहौर नहीं कराची में ही ज़्यादा आपको ऐसी अपार्टमेंट स्टाइल की बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती हैं, तो वही सीन है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है यार, अल्लाह गुल्ला देख के। हाँ नहीं बिल्डिंगों से तो बिल्कुल यार अपना कराची है मुझे लग रहा है यहाँ पर। ट्रैफिक बिल्डिंग सड़कें पुल, हाँ मुझे वो बिल्कुल कराची टच ही आ रहा है। ओके जी जनाब, ऑलराइट, तो रमसीस आ गया है नाजरीन। यार पहला इंप्रेशन तो बड़ा ज़बरदस्त मिल रहा है अभी तक, वो ये कि बड़ा ही लाइवली लोगों का यहाँ पे मुझे बिहेवियर नज़र आ रहा है, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको किसी भी कौम की तरफ से मिलता है वो बड़ा लाइवली है। और आई डोंट नो यार, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में आ गया हूँ। अब ये वैगनें देखे टोयोटा की, सेम हमारी वैगनें जैसे चल रही होती हैं। अब तो खैर लाहौर में ज़रा कम हो गई हैं, लेकिन कराची वगैरह में चल रही होती हैं, तो बिल्कुल कराची वाला टच है। और रमसीस जो बेसिकली जगह है, ये यहाँ पे सारे पूरे कायरो से जितनी भी आपकी बसेस चलती हैं वो यहाँ से चलती हैं, वैगनें बसें जहाँ जिस भी शहर में आपने जाना हो, रमसीस इज़ द पॉइंट। तो हम रमसीस में आए हैं और अभी रमसीस से फिर हम अब आगे अपने जहाँ पे मेरे लिए इन्होंने अरेंज किया है अरसलान ने स्टे, मैं वहाँ पे जाऊँगा। सड़कें भी देखें बिल्कुल वैसे ही, मतलब अल्लाह गुल्ला के ऑस मचा हुआ है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर सबसे बड़ा इंप्रेशन कोई चीज़ है तो भाई वो ये है कि एयरपोर्ट से लेके अभी तक मैं ये रमसीस तक आया हूँ, कम से कम भी मैं कहूँगा कि कुछ 10-15 हज़ार बोर्ड मैंने देख लिए हैं सिर्फ इनके सदर के अब्दुल फताह सीसी अपने आप पर सेल्फ प्रमोशन करने के लिए। और सीन वही है यार कि ये भी यहाँ पर एक तरह का यूँ समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, बल्कि खुद ही इस्टेब्लिशमेंट है, तो मिलता जुलता सीन है हमारे से यहाँ पे। और उसने लोगों को सिर्फ अपनी धाक बिठाने के लिए यहाँ पर हर जगह बोर्ड, अपने ही बोर्ड ही बोर्ड, हर जगह आप देखें बोर्ड ही बोर्ड लगाए हुए हैं अपने फेस के, देखें ऊपर नीचे वहाँ भी बोर्ड, यहाँ पे भी अपना फेस, खंभों पे भी, यहाँ पे भी, बिल्डिंगों पे भी, आपको इनके अब्दुल फताह अल सीसी ही नज़र आएंगे। चेक करो यार ये इनका रमसीस बाज़ार है, ये बहुत बड़ी है, मुझे मस्जिद नज़र आ रही है, इतना शोर, बिल्कुल वही माल छाल लगा हुआ है। ये देखें ये इनकी सब्ज़ी मंडी है, फल सारा हमारा ही है, ये फ्रूट मंडी है, सब्ज़ी मंडी, इधर इनके कोई बेकरी है ये यहाँ पर हमें नज़र आ रही। और ये देखें जी ये इनके पैटिस और जो भी इनका बेकरी का सामान है काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिस्किट्स हैं, ये देखें छोटे छोटे से पिज्ज़ाज़ हैं ये पड़े हुए। हाँ भाई क्या नाम है, फलस्तीन, ये फलस्तीन फलस्तीन जिंदाबाद। चलो जी ये सारे बच्चे जो हैं वो, चलो जी ये सारे बच्चे जो हैं ये फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं।
अभी अजान हो रही है और ये इनका बाजार है। तो जी हम आ गए एक छोटे से इनके ढाबे के ऊपर, रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे ये कोफ्ता और कलेजी जो बीफ की है उसका रोल्स वगैरह बना के देते हैं। सॉफ्ट सी ब्रेड है और उसके अंदर इन्होंने फिलिंग की हुई है, तो ये खा के देखते हैं और आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। पहले एक कोफ्ते वाला खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब है और अंदर खट्टी खट्टी सी, हल्की सी खट्टी दही है मेरे ख्याल से, बस यही मसाला है। आप यूँ कह सकते हैं कि एक क्विक स्नैक है चलते फिरते, जो जिस तरह हमारे मिनी शवारमे होते हैं, ये एक तरह का ओपन शवारमा है। ये कलेजी वाला टेस्टी है दही। तो बेसिकली ये जो रोटी आप देखें ये काफ़ी फ्लफी फ्लफी है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है। मेरे ख्याल ज़्यादा मज़ा जो है ना वो रोटी की वजह से इसके अंदर उठ रहा है। तो दोनों यार बड़े मज़ेदार। ये हमें मिला है 7 pound का, पाकिस्तानी 70 rupees का ये एक। तो ये आप देख लें, ये इसमें हमारा 70 rupees के अंदर ये ऑलमोस्ट ये आ रहा है। और उसके साथ ये मूली है और साथ ये गाजर है, ये सिरके में बनी हुई है, कटी कटी है। चलें ये एक हम ये तो इनका इजिप्शियन पिज्ज़ा ही कह लें, लोकल स्नैक है, फतीरा कहते हैं ये इनको अपनी लैंग्वेज में। ये हम ले रहे हैं, ये है हमारा ऑलमोस्ट 8 pound का, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 70 to 80 rupees का। तो एक ये ले रहे हैं ताकि ये भी हम स्नैक्स के तौर पे खा लें। केचप हाँ हल्का सा लगा, ऐसे रोल बना के देगा। अच्छा इसने रोल बना दिया, ओके लाएंगे। अच्छा ये पराठा नुमा है, बकरखानी पराठा और गर्मा गर्म है, फ्राई करके देखते हैं। टॉपिंग को इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मुश्किल से छोटे छोटे से बीफ के पीस हैं, टमाटर हैं, लेकिन असल चीज़ भी है कि वो जो गर्मा गर्म उसका क्रिस्प पराठा और वो जो है ना बाकर खानी, असल गेम उसी की है। बीफ के बहुत छोटे छोटे पीस हैं। ये है जी इनकी स्वीट्स मिस्र की, और इनके नाम तो मुझे नहीं पता, नाम इस माल उम्माल। और ये है कुनाफे, ये लकमा, और ये भी अरबिक स्वीट्स, और ये कुछ चॉकलेट बेस्ड है। तो ये एक स्टॉल है फूड का जो हम लेने आए हैं खाने के बाद, स्वीट खाने के लिए। ओके जी, तो एंडिंग करते हैं हम अपनी आज पहले दिन की अराइवल के बाद, कावा पीते हुए। खाना शाना मैंने खा लिया, आपने देखा कि मैंने आने के बाद काफ़ी कुछ माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस क्लिप वगैरह बनाना काफ़ी मसला कर रहा था। ये भी चीज़ फर्स्ट इंप्रेशन में शामिल है कि यहाँ पे आपको जो है वो पब्लिक एरिया के अंदर वीडियो शीडियो नहीं बनानी, बड़ी एहतियात से करना है। तो मैंने फिर अपना बाकी सारी चीज़ें नहीं कवर की, सीधा घर में चले गए, वहाँ पे मैंने सामान वगैरह रखा और फिर हमने इधर खाना शाना खाया। तो ऑलराइट जी, तो बसों में बैठ के फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ मिस्र की इलाका सईदा आशा और सलाउद्दीन अयूबी कैसल के पास। ये एक अपार्टमेंट है जो कि अरसलान के ही एक दोस्त का था, वो पाकिस्तान गए हुए हैं, स्वात का ताल्लुक था, तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि आप इधर ही रह लें, और साथ ही उनका भी अपार्टमेंट है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ, अपडेट ये देनी है कि क्योंकि मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन वगैरह ही आपको बता रहा हूँ, तो सीन यही हुआ है कि मेरे साथ 2-3 जगहों के ऊपर, जब मैं आपको पीछे आपने ये सीन भी अगर देखे हों कि मैं ब्रेड की वीडियो बना रहा था और फिर थोड़े से बच्चों के साथ मैं जब हल्ला गुल्ला हुआ, तो दोनों दफ़ा आकर जो इधर की यूँ समझ लें कि सादा कपड़ों में जो इनके स्पेशल लोग हैं, इन्होंने आके मेरे से मोबाइल छीना और मेरी वीडियोस डिलीट करवाई। और ये मैं आने से पहले भी काफ़ी देख चुका था, कुछ ब्लॉगर्स को ये मसला फेस आया हुआ था, जो कि मुझे पहले दिन ही आके हो गया। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट इंप्रेशन कि इधर ये वाला सीन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको नोट कर रहे होते हैं। और कुछ भी नहीं था, ब्रेड की बना रहा था, लेकिन फिर मैं जब वैन में बैठने लगा, मैं सिर्फ वैन में चढ़ने की अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो बंदा दूर से दोबारा आया और उसने फिर एक बंदा मेरे पर नज़र रखने के लिए स्पेशल वैन में भी बिठाया, जो कि देखता रहा कि अभी आगे क्या शूट करता है। तो मुझे अब ये पहले दिन ही थोड़ा सा एक वो फीलर मिल गया,
कि आगे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कुछ जगहों के ऊपर जो है पब्लिक एरिया के अंदर, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा ना बनाऊँ, सिर्फ टूरिस्टी एरिया के अंदर इसको बनाऊँगा। तो ये मैंने दो तीन सिर्फ जो पब्लिक एरिया आया ना वहाँ पे जब बनाया तो ये इशू आया, तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा एज अ व्लॉगर, आपने चीज़ों को वॉयलेट नहीं करना और जो भी जिस मुल्क का जो कल्चर है, जो कानून है, जो भी हालात हैं उसको देखते देखते, क्योंकि अभी जिस मौके पर मैं ये विज़िट कर रहा हूँ, आपको पता है इस वक्त अरब के अंदर की पूरी इसराइल पैलेस्टाइन की वार चल रही है और हमने उसको ध्यान से ही इस एरिया को कवर करना है क्योंकि इनका बॉर्डर लग रहा होता गज़ा को। तो ये था जनाब आज का मेरा सफ़र सारा का सारा, इस्लामाबाद से लेके कुवैत, कुवैत से लेके कायरो तक। आगे अब इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा कायरो की लंबी से लंबी, कायरो भी ज़्यादा कायरो ही है यहाँ पे, और फिर इनके मज़ीद शहर। कोशिश ये करूँगा जैसे चाइना की सीरीज़ में आपको इंजॉय कराया है, मिस्र की भी एक एक चीज़, एक एक जगह, यहाँ के खाने, हिस्ट्री वगैरह डिटेल में पढ़ के आपके साथ शेयर करूँ। ब्लॉग देख के पसंद किया करो और यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लिया करो एंड पे, और अगर वीडियो देखो तो जब ऐड आया करें वो स्किप ना किया करो, उसी से हमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है, जब स्किप कर देते हो उसके हमें अर्निंग भी नहीं आती। तो एनीवेज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।